हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, और वो ये है कि क्या 6 साल से छोटे बच्चों को हमें टीवी और मोबाइल की मदद से सब कुछ सिखाना चाहिए? आगे चल के उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ और उनके स्कूल के परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर हो सकता है? नाउ, वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि 6 साल तक आप उनको टीवी दिखाए या ना दिखाए, बिकॉज इट्स अ डिजिटल एरा, एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, राइट? सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बच्चा 6 साल तक बिल्कुल भी टीवी ना देखे। होता क्या है कि हम उनको अलाउ करते हैं बिकॉज इंटरनेट पे इतने सारे एजुकेशनल कंटेंट है, इतनी सारी एप्लीकेशंस है, इतने सारे एनिमेटेड वीडियोस है जो प्री स्कूलर्स को टारगेट करते हैं, और उनको जो बेसिक लर्निंग होती है, शेप्स, कलर, फोनिक्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, नर्सरी राइम्स, ये सब चीज़ें जो बच्चे स्कूल में जाने से पहले सीखते हैं, राइट, उन्हीं टॉपिक को वो एनिमेशन में या फिर यू नो ऐसे वे में प्रेजेंट करते हैं जो बच्चों को समझ में आए, और बच्चों को ये बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी कन्विंस हो जाते हैं कि बच्चे ने ये वीडियो देख के शेप्स सीख लिए, ये वीडियो देख के मेरे बच्चे के फोनिक्स बहुत उसको समझ में आ गए, राइट? तो हम भी कन्विंस हो जाते हैं, तभी हम उनको अलाउ करते हैं। बट रियलिटी में होता क्या है कि जब हम उनको ये सब देखने देते हैं, आगे चल के इसका एडिक्शन हो जाता है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि बच्चे इसको देखे बिना रह नहीं पाते, राइट? और तब पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, और कहीं सम टाइम्स यू नो हमें गिल्ट भी होता है कि ये उनको टीवी ना दिखाया होता तो अच्छा होता, राइट? तो एक तरफ ये सिचुएशन है कि हम उनको टीवी देखने से रोक भी नहीं सकते, दूसरी तरफ ये है कि उनको एडिक्शन हो जाता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को एडिक्शन ना हो, राइट? चीज़ें आप मैनेज कर पाओ, हमेशा वो आपके ही कंट्रोल में रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि टीवी लर्निंग वर्सेस हैंड्स ऑन लर्निंग का डिफरेंस क्या है। अगर बच्चा टीवी से सब कुछ सीखता है तो उसकी उनके ब्रेन पर, उनके फिजिकल हेल्थ पे, उनकी लर्निंग कैपेसिटी पे, उनके अटेंशन स्पान पे क्या असर हो सकता है, और इस टाइप की लर्निंग आगे चल के कितनी इफ़ेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रिसेंट स्टडीज़, जब भी किसी इन्फॉर्मेशन को बच्चा टीवी में सिर्फ सुनता है तो देर इज़ ओनली 20% चांस कि बच्चा उसे सीख पाएगा, समझ पाएगा, और आगे चल के उसे थोड़े दिन के लिए वो याद रह जाएगा। अगर बच्चा किसी चीज़ को टीवी में देखता है, सिर्फ देखता है, तो देर इज़ ओनली 30% चांस कि बच्चा उसे सीखेगा, समझेगा और कुछ दिन के लिए उनको याद रहेगा। सो टीवी लर्निंग से क्या होता है कि देर इज़ ओनली 50%, यू नो इन दोनों को अगर मिला दे तो 50% ही पॉसिबिलिटी है कि बच्चा इस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, अल्फ़ाबेट है या नंबर्स है, उसे सीख के समझ पाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए उनको ये याद नहीं रहता। क्योंकि टीवी से क्या होता है कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्टिमुलस उनके पास आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को एक साथ प्रोसेसिंग के लिए उनका ब्रेन अभी मैच्योर नहीं है। 6 साल से छोटे बच्चों की बात हो रही है। नाउ इसके वर्सेस जो हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, हैंड्स ऑन लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे कुछ करके सीखते हैं, यू नो दे यूज़ देयर हैंड्स। देयर इज़ अ सेइंग, व्हाट योर हैंड्स डज योर ब्रेन रिमेंबर्स। जो आपके हाथ करते हैं वो ब्रेन को बहुत आसानी से याद रह जाता है। क्यों? बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। टीवी वो आपके बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं देता, यू नो टीवी आपके बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आपका बच्चा गलती करे। आपका बच्चा अगर किसी पज़ल को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है, अगर वो उनसे नहीं हो रहा है तो बच्चा बार बार उसे ट्राई करेगा, बार बार यू नो कोशिश करेगा कि उससे हो जाए। तो ये जो मौका है ना, वो टीवी से नहीं मिलता। इसीलिए ये जो मौका है ना, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ एक ठोस एक्सपीरियंस है जो बच्चे को हमेशा के लिए याद रह जाता है, और उसके बाद उसे बच्चा सीख लेता है। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है कि 80-90% जब बच्चा हैंड्स ऑन वे में, यू नो टीवी से नहीं बट पज़ल से या फिर खेल खेल में जब बच्चे कुछ सीखते हैं, तो एक तो उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, ये बढ़ती है, और उनको कम समय में टीवी की बात करें ना, तो उनको बार बार आपको दिखाना पड़ेगा, बार बार यू नो स्टिमुलस देते हैं हम, तब उनको यू नो याद रहता है या फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हैंड्स ऑन वे में आपके बच्चे
पांच या छह बार भी एक एक्टिविटी को करेंगे वो मास्टरी हो जाएंगी, उनके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप देखोगे भी। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चा अगर सिर्फ टीवी से ही सब कुछ सीख रहा है तो इसकी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे, ओवरऑल हेल्थ पे, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या क्या असर हो सकती है, इसके नुकसान क्या है। सबसे पहला पॉइंट, बच्चे धीरे धीरे अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को कम कर देते हैं। टीवी में क्या होता है कि टीवी इज़ वेरी एक्टिव, आपके बच्चे को सिर्फ उसे बैठ के देखना है। अगर सेम वे सेम चीज़ अगर आपका बच्चा अल्फ़ाबेट्स देख रहा है तो वो अगर किसी बुक से या पज़ल से या कोई ऐसा एजुकेशनल टॉय जो उन्हें वो एक्सपीरियंस दे पाए उससे अगर बच्चा सीखने की ट्राई कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा, आप देखोगे कि उसी सेम टॉय को चाइल्ड विल फाइंड फाइव मोर वेज टू प्ले विथ इट। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि वो बोर ना हो जाए ना, इसलिए वो उनकी उनका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उनकी फंक्शंस है, वो ही ऐसी है कि वो दे फाइंड देयर दे इमेजिन अ लॉट। सो ये जो इमेजिनेशन जो है ना वो टीवी देखने में नहीं मिलती है। सो बहुत सारी इमेजिनेशन करके जब बच्चे सीखते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस है उसे क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज होती है, राइट? सो सबसे पहला नुकसान यही होता है कि धीरे धीरे बच्चों की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। दूसरा, आपने भी सुना होगा और बहुत सारी स्टडीज़ हुई है इस पर और ये प्रूवन है कि टीवी देखने से, रेकमेंडेड टाइम से ज़्यादा टीवी देखने से उनके एडिक्शन से आगे चल के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके अटेंशन स्पान पे असर होता है। उनका अटेंशन स्पान धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, बच्चा की सिटिंग टॉलरेंस जो है वो उस पर फ़र्क पड़ता है, उनके कंसंट्रेशन, उनकी फोकस करने की जो एबिलिटी है, एक बार में पूरा मन लगा के सब पढ़ने की जो वो जो कैपेसिटी होती है उस पर डेफिनेटली असर होता है। बिकॉज होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 साल से छोटे बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो अगर उनको एक बार में एक चीज़ सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, बट मल्टीपल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल स्टिमुलस जब उनको मिलता है तो ब्रेन उनका अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, राइट? तो यही एक रीज़न है कि धीरे धीरे उनका अटेंशन स्पान भी कम हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड है। आपने नोटिस किया होगा कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब आप उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं, हम उनको एक्टिव बनाते हैं और ये बहुत क्यूट भी लगता है जब आप उनको कोई हेल्प ऑफर करो या फिर आप उनको कुछ पूछो कि आप मुझे हमें हेल्प करोगे, ये आपको मम्मा को मदद करनी है आपको, या फिर आप पानी भर रहे हो, प्लांट्स को पानी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज़ द एज वेन दे वॉन्ट टू लर्न। आगे चल के क्या होगा, जितना टीवी ज़्यादा आएगा ना, आपको ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपका 4 या 5 साल का जो बच्चा है वो अपने खुद के पीने का पानी का ग्लास भी आपसे मांगेगा, या फिर आप अगर उनको इन्वॉल्व करना चाहोगे तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव बिकम लेजी। टीवी से बच्चे आलसी हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिवनेस है ना बच्चे वो चली जाती है, वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर उनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए टीवी जो है वो रिकमेंडेड टाइम से ज़्यादा नहीं करना है। इसी के रिलेटेड एक पॉइंट है जो एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत अभी ज़्यादा हो रहा है कि बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी आपको देखने को मिलती है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, मोटापा बच्चों में, राइट? इसकी उनके ब्रेन पे उनकी डायरेक्ट कनेक्शन जो है उसका साइकोलॉजी पर है। बच्चे आगे जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको एक सेल्फ अवेयरनेस आती है, उनको एक बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, वो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो लुक्स है चाहे वो बॉडी है, और कभी अनफॉर्चुनेटली कभी भी उनको कोई कमेंट आ गई कि दे आर लुकिंग फैट या उनके बॉडी शेमिंग अगर हो गया तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, उनका सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है और वो आपको बताएंगे नहीं। वो इसकी असर आपको उनके ओवरऑल बिहेवियर पे धीरे धीरे वो इंट्रोवर्ट होते जाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे, बच्चों से दूर रहेंगे और खुद को सेल्फ बाइटिंग जो कहते हैं ना, खुद को ही वो कोसते रहेंगे कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है बिकॉज सर्टेन फीचर्स है उनके पास। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये तो साइकोलॉजिकली बच्चों के असर हो सकती है। सो इसीलिए हमें उनका जो टीवी का टाइम है, स्क्रीन का टाइम है, वो बैलेंस करना
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो कम समय में बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए उनके स्क्रीन टाइम को थोड़ा बैलेंस करिए और उनके डेली रूटीन में हैंड्स ऑन लर्निंग को ज़रूर प्रमोट करिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराइए, पजल्स है, टॉयज़ है, उनके टॉयज़ का सिलेक्शन ऐसे करिए जिसमें बहुत मेहनत करके उनको कोई चीज़ सीखनी पड़े, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। स्कूल में जाएंगे उसके बाद तो उनको रट्टा ही मारना है, बट दिस आर द फाउंडेशन, यू नो, जो लिटरेसी होती है, पढ़ाई होती है, उसका बेसिक जो है ना, ये वो है। सो ये आप कर लेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाएगा, उनका अटेंशन स्पान जो है वो भी यू नो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है पजल्स जो होते हैं ना, वो आसानी से बच्चे नहीं कर पाते, बहुत ट्राई करना पड़ता है। और इन सिचुएशन में यू नो आपको एज अ पेरेंट ऑब्जर्व करना है, तुरंत ही उनको हेल्प ना करें, उनको स्ट्रगल करने दे, देखिए क्या होता है, वो कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार ट्राई किया तो हो गया। इसको क्या कहते हैं, इससे वो नेवर गिव अप एटीट्यूड बच्चों में आता है। यू नो ये जो चीज़ है ना, ये लाइफ की चीज़ है, हमें बच्चों को सिर्फ स्कूल के लिए नहीं तैयार करना है, दीज आर द वर्च्यूज, दीज आर द वैल्यूज, तो हम उनको लाइफ के लिए तैयार कर रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको एक अल्फ़ाबेट का ट्रे पज़ल दिखाया था, तब वो पज़ल मैंने सिर्फ मेरी बेटी को इंट्रोड्यूस ही किया था। माई डॉटर इज़ करंटली 2 years 8 months, आज उसको 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एवरी डे उसने 2 से 3 बार उसे खेला है, खुद से ही खेला है, हमने कोई फोर्स नहीं किया है। लेटर्स को वो उठा उठा के मुझे पूछती थी, मामा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, तो मैं इसे सिर्फ बताती थी, वो सिंबल बता बी को दिखाती थी, ओके दैट इज़ बी, दैट इज़ जी, वो उसी ने यू नो ये रास्ता निकाल दिया कि इसको कैसे सीखना है, हम सिर्फ उसको आंसर करते थे। आज उसने सभी लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। सेम वे मैंने नंबर्स पे भी वीडियो किया था, 1 to 10 जो है वो अच्छे से काउंट, 1 to 20 वो काउंट करती है, 1 to 15 जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं सिम्बॉल्स को, वो बहुत अच्छे से कर लेती है। नाउ एक और चीज़ है कि यू नो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर पेरेंट्स के लिए कि चाइल्डहुड इज़ नॉट अ रेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके बच्चे ने 2.5 साल पर अल्फ़ाबेट सीख लिया, नंबर सीख लिया, यू नो उसको ये सब आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे ने उस चीज़ को कैसे सीखा है ये इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में यू नो श्रेयु ने जो भी सीखा है वो टीवी देख के नहीं सीखा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी सीखा होता, 6 महीने बाद सीखा होता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट इन अ रेस। मैं मेरी बेटी को कभी भी यू नो कभी भी उसको किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करती, और मैंने ये भी स्टैंडर्ड्स अभी तक सीखा नहीं है कि किस एज पे क्या क्या सिखाना है। मैं बस खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें जो अच्छा लगता है उसको यू नो उसकी रेडीनेस के हिसाब से हम उसे सब सिखाते हैं। पर मुझे खुशी इस बात की है कि उसने जो भी सीखा है वो बार बार गलतियाँ करके सीखा है, यू नो मेहनत की है और बार बार फेलियर आया है उसको। उसको नंबर्स की भी बात करें, इतनी सारी बार बच्चा स्ट्रगल करता है, उसको फिक्स करने में भी उतना यू नो टाइम लगता है, उसके बाद उसकी खुद की मेहनत से उसने ये सभी सीख लिया है। और ये जो है ना, ये तो बेसिक है, इस तरह से सीखा हुआ बच्चा कभी भी नहीं भूलता। अब उसको लेटर आइडेंटिफिकेशन हमने कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करके उसको सिखाऊंगी, बट एक ही पज़ल ने उसको वो सब कुछ सिखा दिया, राइट? सो अब हम जाएंगे लेटर टू पिक्चर मैचिंग, वो आने वाले वीडियोस में आप ज़रूर देखोगे। इसी तरह से यू नो आप बैलेंस कर सकते हो और आप ही को डिसाइड करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी एज पे बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, बच्चा क्या देखता है, कितना देखता है, कंटेंट क्या देखता है, कितने टाइम तक देखता है, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उनको डाइवर्ट भी कर सकते हो, राइट? सो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। से फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चा है तो उनके लिए 1 आवर का रिकमेंड किया गया है टाइम। आपको क्या रखना है, गोल आपको 45 मिनट्स का रखना है, पूरे दिन में 45 मिनट्स ही आपको सेट करना है। अगर आपका बच्चा पूरे दिन में 2 या 3 साल का बच्चा 3.5-3.5 घंटे का अगर स्क्रीन टाइम ले रहा है तो वो गलत है, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी बंद कर दे। आप बैलेंस कर पाएंगे तो आपकी आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप भी रहेगी, वो आपकी बात भी मानेंगे, उनके मूड स्विंग्स भी नहीं रहेंगे, टेंट्रम्स भी वो नहीं थ्रो करेंगे और डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक करें, शेयर करिए, और अगर कोई भी वीडियो सजेशंस है, मुझे कुछ भी कहना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।